नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं केशव शर्मा, आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं खतरों के खिलाड़ी मेन इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, खतरों के खिलाड़ी मेन इन इंडिया की स्टार्टिंग डेट, कंसेप्ट, कंटेस्टेंट लिस्ट और शेड्यूल के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि इसके अंदर जो कंटेस्टेंट लिस्ट बताऊंगा मैं, वो क्यों बनाई गई और क्यों खतरों को खिलाड़ी अभी तो आया था उसके बाद तुरंत लॉन्च कर दिया गया। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि गाइज, आपको पता है कोई भी रियलिटी शो जल्दी से आ नहीं रहा, बट खतरों के खिलाड़ी ने ये फैसला किया कि भाई ये जिनको ये लोग जानते हैं उन्हीं को बुला लिया जाए और उनके बाद उनसे इंस्टेंट कराया जाए, क्योंकि टीआरपी चाहिए इनको, तो व्यूज चाहिए और पब्लिक रेटिंग चाहिए, जिसकी वजह से ये अपने शो को बूस्ट कर सकें और नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकें। क्योंकि अभी ना ही बिग बॉस आया है और ना ही अदर रियलिटी शोज जल्दी से आ पा रहे हैं। बट खतरों के खिलाड़ी के लिए कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, 4-5 प्लेयर लो, उनसे टास्क कराते रहो। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। वैसे खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 जो कि जल्द ही आने वाला है, 1 अगस्त को आप इसका सीजन देख सकते हैं। और इस शो का जो नेम है मेन इन इंडिया, इसीलिए रखा गया है क्योंकि अभी जो चक्कर चल रहा है वो मेन इन इंडिया को ही लेकर चल रहा है। चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन किए जा रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस नाम का फायदा उठाया जाए और खतरों के खिलाड़ी मेन इन इंडिया रखा जाए। हालांकि मेन इंडिया क्या पहले नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी मेन इंडिया था, बट इस बार इन्होंने नाम रख के थोड़ी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने की कोशिश की है। ये पूरा का पूरा जो शो है ये मुंबई में ही होगा, अदर कहीं स्टेट्स में ये जा नहीं सकते। रीजन आपको पता है, क्वारंटाइन चल रहा है पूरे देश के अंदर। और अभी खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 खत्म हुआ था, रोहित सेट्टी जिन्होंने इसको होस्ट किया था, अब इन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई खतरों के खिलाड़ी मेन इन इंडिया आने वाला है, सीजन 11 आने वाला है, जो कि आपको 1 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। 2 या 1 दिन ही रह जाएंगे। इस बार इस गेम शो का कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, क्योंकि भाई सीजन 11 है तो कुछ नया दिखाना पड़ेगा। मतलब कि इसको जोन परफॉर्मिंग के हिसाब से कर दिया गया है। जोन्स, 5 जोन्स के अंदर इस शो को डिवाइड किया गया है। जो पहला जोन है वो है गोलमाल जोन, और जो दूसरा जोन है गाइस तहखाना, और जो तीसरा जोन है वो है दर्द के दरवाजे, और जो चौथा जोन है गाइस वो है पुरानी हवेली, और जो लास्ट जोन है वो है विलन का अड्डा। ये सारे 5 के 5 जोन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर ये 5 जोन्स 1 हफ्ते में भी खत्म होते हैं तो आपका 1 महीने या 1.5 महीने का ये शो है सिर्फ। तो चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं कंटेस्टेंट्स के बारे में कि खतरों के खिलाड़ी के अंदर जो कंटेस्टेंट्स हैं वो कौन कौन है। कोई भी कॉमनर्स नहीं है, कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं है, सारे सेलिब्रिटीज हैं, काफी अच्छे सेलिब्रिटीज हैं, काफी पॉपुलर सेलिब्रिटीज को इस बार इस सीजन के अंदर रखा गया है। सबसे पहला जो नाम मैं लेना चाहूंगा वो है ऋत्विक धनाजनी का। जी हाँ दोस्तों, ऋत्विक धनाजनी एक मोस्ट पॉपुलर टेलीविजन एक्टर हैं, जिन्होंने फेमस रोल किया था अर्जुन किर्लोस्कर का पवित्र रिश्ता के अंदर, और रिसेंटली इन्होंने एक मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो नच बलिए सीजन 7 को होस्ट किया था। इंडिया सुपर डांसर को भी इन्होंने होस्ट किया है, सुपर डांसर इंडिया नेक्स्ट सुपर डांसर को भी इन्होंने होस्ट किया हुआ है। अगला जो नाम मैं लेना चाहूंगा वो है गाइस करण वाही का। जी हाँ दोस्तों, करण वाही भी एक एक्टर, होस्ट, मॉडल हैं, जिन्होंने बहुत सारी मूवीज के अंदर काम किया है, बहुत सारी मूवीज के अंदर ब्यूट किया है। साथ ही साथ गाइज इन्होंने शो रिमिक्स के अंदर प्ले रोल किया था रणवीर सिसोदिया का, और भी इन्होंने बहुत सारे पॉपुलर रोल प्ले किए, जैसे दिल मिल गए में डॉक्टर सिद्धार्थ मोदी का रोल जो प्ले किया, जो कि लोगों के दिलों में छा गया ये रोल। और झलक दिखला जा के अंदर जो सीजन 5 के अंदर ये एज अ कंटेस्टेंट गए, जिन्होंने झलक दिखला जा सीजन 5 के अंदर 4 चांद लगाने की कोशिश करी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग शो को इन्होंने बनाया भी। तो इतने सारे शोज के अंदर ये काम कर चुके हैं, तो पॉपुलर रियलिटी शो के अंदर ये काम कर चुके हैं, बॉलीवुड अपीयरेंस दे चुके हैं बहुत सारी फिल्मों के अंदर, जैसे दावत है, इश्क जैसी मूवीज के अंदर इन्होंने अपने आप को अपीयर किया है। तो ये मोस्ट एक्टरों के अंदर भी काउंट होने लगे हैं, जैसे इन्होंने एक पॉपुलर फिल्म बॉलीवुड हेट स्टोरी 4 के अंदर काम किया, एक मेन लीड रोल प्ले किया, जो कि काफी जबरदस्त रही फिल्म भी। साथ ही साथ करण वाही का नाम भी इस फिल्म की वजह से काफी पॉपुलर हुआ, तो ये भी आपको इस सीजन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो गाइस आगे बात करते हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के अंदर करण पटेल का। जी हाँ दोस्तों, करण पटेल एक टेलीविजन एक्टर हैं जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हैं अपने रोल को लेकर। ये है मोहब्बते के अंदर रमन बाहुला का जो रोल इन्होंने प्ले किया, वो काफी इंटरेस्टिंग था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इनके नाम की वजह से नहीं, रमन बाहुला की वजह से जानते हैं। और अभी ये जो करंटली रोल प्ले कर रहे हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग और काफी पावरफुल है, मिस्टर बजाज का, जो कि कसौटी जिंदगी के अंदर ये रोल प्ले कर रहे हैं। मिस्टर बजाज
जो कि काफी फेमस हुए हैं अपने इस रोल की वजह से। और मैं आपको बता दूं, करण पटेल ने वैसे कुछ रियलिटी शोज को भी होस्ट किया है, जैसे नच बलिए 7 के अंदर आपने इनको देखा होगा और गुमराह S5 के अंदर भी आपने इनको होस्ट करते हुए जरूर देखा होगा। तो गाइस आगे बात करते हैं, खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 मेन इन इंडिया के अंदर आ रहे हैं एली गोनी। जी हाँ दोस्तों, एली गोनी एक टेलीविजन एक्टर हैं। रिसेंटली इन्होंने नच बलिए 9 के अंदर पार्टिसिपेट किया था। ये है मोहब्बतें शो के अंदर इन्होंने काफी पॉपुलर रोल प्ले किया रोमी बाला का। और स्पिरिट्स विला सीजन 5 के अंदर इन्होंने पॉपुलर यूथ ऑफ द शो जीता था, जो की काफी इंटरेस्टिंग था। MTV इंडिया के ऊपर आ रहे स्पिरिट्स विला शो के अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हाल ही में इन्होंने बहुत सारे फ्यू शोज को भी किया, जैसे कि दिल ही तो है, कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां, बहू हमारी रजनीकांत जैसे मोस्ट पॉपुलर शोज के अंदर भी इन्होंने काम किया है। तो गाइज आगे बात करते हैं खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया सीजन 11 के अंदर आ रहे कंटेस्टेंट के बारे में, हर्ष लंबाचिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर्ष लंबाचिया एक स्क्रीन राइटर, प्रोड्यूसर, टेलीविजन पर्सनैलिटी हैं। इन्होंने बहुत सारे टेलीविजन पॉपुलर शो को राइट किया हुआ है। ये एक प्रोड्यूसर भी हैं, क्रिएटर भी हैं और इन्होंने बहुत सारे शोज को होस्ट भी किया है, जैसे कि खतरा 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 आया था या हम तुम और क्वारंटाइन आया था। और हर्ष अभी करंटली एक शो को होस्ट भी कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, मतलब इंडियाज बेस्ट डांसर के अंदर आपने देखा होगा हर्ष अपनी वाइफ के साथ यानी कि भारती सिंह के साथ भी इस शो को होस्ट कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको बता दूं, पीएम नरेंद्र मोदी की फिल्म के अंदर जो डायलॉग्स थे वो सभी हर्ष लंबाचिया ने ही राइट किए हैं। तो गाइस आगे बात करते हैं खतरों के खिलाड़ी के अंदर आ रही नेक्स्ट कंटेस्टेंट के बारे में, जिनका नाम है जैस्मीन बेंसाई। जैस्मीन बेंसाई एक पॉपुलर एक्ट्रेस है, मॉडल है, जो कि काफी ज्यादा हिट शोज को दे चुकी है, जिनमें से तानसेन इश्क के अंदर ट्विंकल तनेजा का रोल इन्होंने काफी अच्छे से निभाया और ये जाने भी इसी रोल की वजह से जाने लगी। और दिल से दिल तक शो के अंदर भी आपने इनको रोल में देखा होगा, जो कि काफी अच्छा और काफी क्रिएटिंग रोल प्ले किया है इन्होंने। और नागिन भाग्या का जहरीला खेल के अंदर भी इन्होंने नयनतारा नाम का काफी अच्छा रोल प्ले इन्होंने किया है। और अभी फिलहाल ये साउथ इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फिल्मों को साइन कर चुकी है, सिर्फ लॉकडाउन खुलने का इनको इंतजार है, आप इनको अदर मूवीज के अंदर भी देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं गाइस जय भानुशाली के बारे में। जी हां दोस्तों, जय भानुशाली भी खतरों के खिलाड़ी में सीजन 11 में आपको देखने को नजर आएंगे। मैं आपको बता दूं गाइस, जय भानुशाली इज अ पॉपुलर टेलीविजन एक्टर होस्ट। इन्होंने बहुत सारे शोज को होस्ट किया है, जिनके अंदर गीत हुई सबसे प्यारी, कयामत, कसौटी जिंदगी की, इसके अंदर आपने देखा होगा रोल प्ले करते हुए। इन्होंने बहुत सारे शोज को भी होस्ट किया है, जिसके अंदर डांस इंडिया डांस, सुपर स्टार सिंगर, द वॉइस इंडिया किड जैसे। आगे हम बात करते हैं खतरों के खिलाड़ी के अंदर आ रहे कंटेस्टेंट के बारे में, जिनका नाम है निया शर्मा। जी हाँ दोस्तों, निया शर्मा भी एक पॉपुलर एक्ट्रेस हैं और इन्होंने भी काफी ज्यादा रोल प्ले किए हैं। 1000ों में मेरी बहना शो अगर आपने देखा है तो उसके अंदर मानवी चौधरी का रोल इन्होंने काफी अच्छे से प्ले किया है। जमाई राजा अगर आपने शो देखा है तो उसके अंदर रश्मि पटेल का रोल इन्होंने काफी बेखूबी से निभाया और इसी शो की वजह से लोग इनको जानने लगे। और अगर आपको अभी करंटली इनको देखना है तो सुपर नेचुरल शो नागिन के अंदर आप देख सकते हैं बिंद्रा का रोल प्ले करते हुए। तो गाइज ये सब कंटेस्टेंट थे जो मैंने आपको बताए, जो इस बार खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 मेन इन इंडिया के अंदर आ रहे हैं। और अगर आप और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं, और भी अपडेट्स जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कुछ कमेंट्स करके कुछ भी पूछ सकते हैं, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर कोई ऑडिशन या रजिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई भी जानकारी निकलती है तो हम आपको बताते हैं कि भाई कैसे उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी जानकारी जो शायद आपको किसी दूसरे चैनल पर देखने को ना मिले। तो गाइस अगर आपको ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है और आप जाना चाहते हैं टेलीविजन इंडस्ट्री के अंदर, तो ये चैनल आपके लिए ही है। तो मिलता हूं मैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।